कोई चार्जशीट सबमिट की है, कोई विटनेस है, कोई कुछ है? तो ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है मेंबर से जो है। कन्हैया कुमार जी और तिवारी जी, कांटे की टक्कर है। शिक्षित आदमियों को लाना चाहिए, पढ़ा लिखा हुआ है, PhD करे हुए हैं, वो समाज की सेवा करेंगे। और इन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। ये हम बोलते हैं मनोज भैया ने एक बार आए भी नहीं, किसी जनता से मिले भी नहीं हैं। वो हम भी बिहार के रहने वाले हैं, हम बोलते हैं कि मनोज भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में केहू के लगे आयल नहीं खन, और उनको बहाना भी जरूरी नहीं है, बदलाव चाहिए ऐसे हालत में। कहती है कि जैसे जिस इंडस्ट्री से निकलकर वो आए थे, अब वापसी उसी में उनको चले जाना चाहिए, उसी में उनका फायदा और भला है। कन्हैया कुमार बेखौफ, बेझिझक पब्लिक लीडर हैं, युवा नेता है, और हम उम्मीद करते हैं वो एक रिकॉर्ड वोटों से यहाँ से जीतेंगे। वो पहले से अनफिट था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात ये होता है कि भाई मोदी के नाम पे पब्लिक ने उसको 2 बार चांस दे दिया। लेकिन बात यू है, अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, आतंकवादी है, जो भी है, तो जेल में होना चाहिए, बाहर क्यों है? कांग्रेस ने जब से दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उम्मीदवार का ऐलान किया है, तब से यह लोकसभा सीट जो है ये हॉट सीट बन गई है। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब से इस सीट के उम्मीदवार का ऐलान किया गया है, यानी कि कन्हैया कुमार के नाम का ऐलान किया गया है, तब से ये जो सीट है ये हॉट सीट बन गई है, क्योंकि अब कन्हैया कुमार की सीधी टक्कर मनोज तिवारी से है। मनोज तिवारी यहाँ 2 बार से सांसद रहे हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारी मतों से उन्होंने 2014-2019 में जीत दर्ज की थी। अब कन्हैया कुमार की सीधी टक्कर जो है वो मनोज तिवारी से है। कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से 2019 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब ये जो हॉट सीट है, इस पर जनता की राय क्या है, क्या सोचते हैं वो कि क्या कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, चलते हैं सीधी बातचीत करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या सवाल हैं, क्या जवाब हैं जो वो बताना चाहते हैं इस सीट के बारे में। पिछले 10 सालों में मनोज तिवारी यहाँ पे सांसद रहे हैं और उनका कैसा काम है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि मनोज तिवारी 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं, उनका काम कैसा है? और मैं साथ ही में आपको बता दूं कि हम लोग करावल नगर में मौजूद हैं इस वक्त, बताइए। पहली बात तो धन्यवाद आपको जी। मनोज तिवारी जी को 10 साल हो गए, 10 साल में कोई काम किया हो तो कोई एक दो काम गिना दें। बाकी अब कन्हैया कुमार जी और तिवारी जी, कांटे की टक्कर है। शिक्षित आदमियों को लाना चाहिए, पढ़ा लिखा हुआ है, PhD करे हुए हैं, वो समाज की सेवा करेंगे। और इन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। एक गांव चौहानपट्टी जी का गोद लिया था इन्होंने, आज तक वो गोद में ही है। इन्होंने जितने भी MP रहे हैं सबने एक एक गांव गोद लिया था। मुझे बताओ जो घुटमन चला हो अभी तो गोद में ही है वो। रही मोदी जी की बात, मोदी जी से हम क्या उम्मीद करें? वो कहते थे मैं फकीर हूँ, तो कटोरा हाथ में देने की बात करेंगे तो फकीरी की बात करेंगे, वो दूसरी बात। वो रोजगार की बात करते हैं, सुबह को रोजगार तो देते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते। जैसा कि कहते हैं सुबह को चाय बनाओ, चाय बेचो, दोपहर को पकौड़े बेचो, पढ़ो लिखो PhD करो और पकौड़े बेचो, शाम को चौकीदारी करो। तो वो रोजगार तो दे रहे हैं ना, लेकिन हम रोजगार ले कहाँ रहे? मोदी जी ने कन्हैया कुमार को अभी हाल ही के बयान में बोलता टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है वो मोदी जी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, समझे जी? वो किसी जो काम करे, केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, जो काम पब्लिक के लिए करेगा वो अंदर जाएगा, उनकी नज़र में सारे टुकड़े टुकड़े गए। मैं कह रहा हूँ BJP वालों से 6 चीज़, मात्र 6 चीज़,
हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये छह चीज छोड़ कर बता दो, जो वोट मांगने आ जाए वो तो हमें बता दो। ठीक है, चलिए 10 साल की बात नहीं करते हैं, पिछले 5 साल के कार्यकाल को अगर देखा जाए मनोज तिवारी जी को, तो काम कैसा रहा है उनके उनका इलाके में? 5 साल में क्या, 10 साल में भी एक भी काम नहीं किया और क्षेत्र में आए ही नहीं है। एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट इधर आ जाइए, क्या बोला भैया जी? हम बोलते हैं मनोज भैया ने एक बार आए भी नहीं, किसी जनता से मिले भी नहीं है वो, हम भी बिहार के रहने वाले हैं, हम बोलते हैं कि मनोज भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में केहू के लगे आयल नहीं खन, और उनको बाना भी जरूरी नहीं है, बदलाव चाहिए ऐसा हालत में। कन्हैया कुमार दे पाएंगे टक्कर? कन्हैया कुमार टक्कर दे पाएंगे बिहार? जनता ये चाहता, जो जनता के बोली बा वो सबके सामने आई, मनोज भैया एक वाली आयल नहीं खा नहीं जा, हमारा कहना मी बा। कन्हैया कुमार भी तो बिहार से ही की बात बा, बेगूसराय से भी है कन्हैया कुमार भी, बेगूसराय से? हाँ जी, कन्हैया कुमार जी है, जो भी होगा इसका फैसला हमारे जनता भाई लिए, हम नहीं लेंगे। मनोज भैया हमारे यहाँ एक वाली आयल नहीं खर, आना केहू आके जनता से मिलल बा, काम तो दूध के बात बा भाई, ऐजा आयले नहीं खन बिल्कुल, केहू केहू जनता कह दे हमारे हम आयल, अगर मनोज भैया आयल बा। देखिए जनता तो साफ तौर पे यही कह रही है कि हमने उन्हें देखा ही नहीं है, कितनी बार आपने देखा है उन्हें? कभी कभी वो आते हैं अपने, उनके जो कोई प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम में आते हैं, फीता काटते हैं चले जाते हैं, काम यहाँ पर उनका कुछ नहीं होता। और जनता अब ये चाहती है कि जैसे जिस इंडस्ट्री से निकल कर वो आए थे अब वापसी उसी में उनको चले जाना चाहिए, उसी में उनका फायदा और भला है। 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे क्योंकि सामने गिरिराज सिंह से। अब ये बताइए, अब मनोज तिवारी हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ की जनता कन्हैया कुमार को पसंद करेगी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुबे दुबे मैडम जी, कि आप यहाँ पर क्राउन नगर की सादतपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम। आते वक्त आपने देख भी लिया होगा कि 10 साल से यहाँ पर कन्हैया के जो मनोज तिवारी जी हैं यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर जितने आदमी खड़े हैं आप 10 साल के अंदर वो 10 बार भी कह दें कि मैं उनसे मिला हूँ तो हम जो आप कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। दूसरी बात, डेवलपमेंट उनका 0 डेवलपमेंट है, क्षेत्र के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, डेवलपमेंट मनोज तिवारी किया, जो हमारे जो पीएम साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि भाई 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप 100 में से 10 साल के अंदर 10 स्मार्ट सिटी आप बता दीजिए कि उन्होंने बनाई, बुलेट ट्रेन चलाएंगे आप, 2 बुलेट ट्रेन बता दीजिए इंडिया के अंदर उन्होंने बुलेट ट्रेन चला दी है। वो कहते हैं कि हमने चंद्रमा के ऊपर वो वहाँ पर साउथ पोल में हमने मतलब कि अपना यान उतार दिया, क्या वो 10 साल की देन थी या पीछे का जो इसरो की स्थापना कब हुई थी ये आप समझ सकते हैं। और कल का ही एक नया मुद्दा उन्होंने और उछाल दिया, अभी जैसे भाई साहब ने बोला था कि उनके पास 6 मुद्दे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, कब्रिस्तान और शमशान, इनके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ की जनता ने इस बार जो एक जेएनयू के पढ़े लिखे आदमी ऐसे ही राजनीति में आने चाहिए, कन्हैया कुमार बेखौफ बेझिझक पब्लिक लीडर हैं, युवा नेता है और हम उम्मीद करते हैं वो एक रिकॉर्ड वोटों से यहां से जीतेंगे और यहां का डेवलपमेंट भी विकास बहुत कामयाबी से लड़ के जंजारू रूप से यहां का कामयाब करेंगे और ऐतिहासिक बनाएंगे कि कन्हैया कुमार को यहां का जन जन व्यक्ति भूलेगा नहीं, जो उनका विकास कार्य होगा यही उम्मीद कर। ठीक है, लगता है कि वो 10 साल से बीजेपी इस सीट पर राज कर रही है, 2 बार चुनाव जीत गई है जी। अब यहाँ की जो जनता है कन्हैया कुमार को मौका देगी? कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं उस दिल्ली में जहाँ पर कांग्रेस का एक तरह से कह सकते हैं कि सफाया हो चुका है और कन्हैया कुमार एक बार हार भी चुके हैं, जनता सपोर्ट करेगी यहाँ पे, देखना चाहेगी कन्हैया कुमार को? केंद्र सरकार की, कि केंद्र सरकार ने 10 सालों के अंदर 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वो वादा किया। मैंने आपसे सवाल कुछ और कराया, आप किसी और एंगल पर आ रहे हैं। मैं वहीं पे आ रहा हूं जी, मैं वहीं पे आ रहा हूं। आज तक किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया गया है, जो रोजगार, जो नया युवा जो आज परेशान है जो रोजगार से, वो 10 सालों तक धोखा खा चुका है, अब वो धोखा खाने वाला नहीं है, अब उसको बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव के रूप में इनको मजबूत कैंडिडेट उतार दिया गया है इनके सामने,
कन्हैया कुमार और JNU से पढ़ा लिखा बहुत समझदार जुझारू कैंडिडेट है और आपको मैं आपको वादा करता हूं कि यहां से इस सीट से हम उसको जिता करके भेजेंगे। चलिए, क्या सवाल ये है कि भाई इस दिल्ली के विकास के लिए जो सही रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो अब की बार कांग्रेस ने दिया है। पिछले 10 सालों से जो मनोज तिवारी एक जो है एक जो फिल्मी आर्किटेक्ट उसको उतार के जो है इस मैसेज को मैदान में दे दिया है वो बिल्कुल भी किसी तरह से जो है यहाँ की जनता के लिए यहाँ के विकास के लिए अनफिट था। वो पहले से अनफिट था लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात ये होता है कि भाई मोदी के नाम पर पब्लिक ने उसको 2 बार चांस दे दिया। अब हर बार तो वो दोबारा चांस नहीं मिलेगा, इसलिए परिवर्तन जरूरी है इलाके के लिए, विकास के डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए। कन्हैया कुमार जी बेस्ट कैंडिडेट, उसके मनोज तिवारी के खिलाफ अच्छा कैंडिडेट है जो है और पब्लिक उसको फुल सपोर्ट कर रही है जो है बगैर किसी भेदभाव के। कन्हैया कुमार पर आरोप लगते हैं और उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा। ये तो एक कुछ मीडिया है, हम कंप्लीट मीडिया की बात नहीं करते। अरे आप बयान क्यों बदल देते हैं? लेकिन बयान नहीं बदल रहा हूं। तो जो बोला है मैं उसी पे बोल रही हूँ ना। कन्हैया कुमार के ऊपर आरोप लगाते हैं जरूर जो है, लेकिन उन्होंने खुद बोला है कन्हैया कुमार ने, जब वो JNU के छात्र संघ के अध्यक्ष थे उन्होंने खुद एक बयान ऐसा दिया था। अगर आप JNU की पॉलिटिक्स में जाते हैं तो JNU में कितने ग्रुप हैं ये आप भी जानते हैं, JNU में कितने ग्रुप हैं वो भी आप जानते हैं, और वहाँ उसकी बात को किस रूप में पेश किया जाता है ये मीडिया का काट छाट है और कुछ नहीं है। अगर उसके अगेंस्ट कोई गया है तो 10 साल तक क्यों बैठे रही BJP गवर्नमेंट, 10 साल तक उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? कोई चार्जशीट सबमिट किए, कोई विटनेस है, कोई कुछ है? तो ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है मेम्बर्स जो है। मनोज तिवारी जी के 10 साल का जो फंड होता है उस फंड में से आप दिखा दीजिए कि उन्होंने अगर फंड का अपना इस क्रामनगर के विकास के लिए या इस नॉर्थ ईस्ट की पब्लिक के उसके लिए विलांस के लिए लगाया कहीं है, वो कोई बताइए। डंकिंग शॉट पे अगर उन्होंने अपना 10 साल का जो फंड है MP का जो फंड है वो कहीं लगाया है तो बता दीजिए। और अभी अभी आप बात कर रहे थे, देखा है मनोज तिवारी को कभी? नहीं, उनको क्षेत्र में उनको तो TV पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या YouTube पे लाइव कभी नहीं देखा। क्षेत्र में आए कभी समस्या वगैरह सुनी है? नहीं, कभी नहीं देखा। तो अब उनकी टक्कर जो है वो कन्हैया कुमार से, क्या लग रहा है आपको? यहाँ की जनता कितना सपोर्टिव में है, कितना सपोर्ट करी? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखे आपने जो क्वेश्चन किया, एक बिहारी को टक्कर दे रहा है। देखिए मेन मोटिव ये नहीं है कि कौन बिहारी कौन है, मेन मोटिव है लोगों के मुद्दे। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती महंगाई, तो आज का जो युवा है वो इस चीज़ को देख के वोट देगा। अगर कन्हैया कुमार जी भी नहीं होते, कोई और भी होता तो उनको सपोर्ट करते, बट BJP को नहीं। नहीं, क्या, क्यों, ऐसा क्यों? BJP को क्यों? मैडम 10 साल में पब्लिक बता देगी ना उनका क्या काम है क्या नहीं काम है, सबको बताइए। आज बोलो, टुकड़े टुकड़े गैंग होने का आरोप लगता है हमेशा से ही कन्हैया कुमार पर, और उन्होंने बयान भी काफी बार ऐसे दिए हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया था, कन्हैया कुमार पर कटाक्ष किया था, इस पर क्या राय है? देखो मैडम जी, राज यू है वो है राजनीति, कौन किस पर आरोप लगा रहा है, लेकिन बात यू है अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग है या आतंकवादी है जो भी है तो जेल में होना चाहिए, बाहर क्यों है? जज ने उसे जमानत दी या बाहर कराया या बरी कराया, जेल में तो गया था वो 10-5 दिन को या महीने को, तो फिर छोड़ दिया क्यों? ये राजनीति है। BJP का जो यहाँ मनोज तिवारी है उसको लोगों ने चाहा और हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे चाया, लेकिन वो समस्या हल नहीं हुई। अभी तुम आए होगे रोड पे जो बीच में डिवाइडर बना है उसके दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है, पार्किंग अनऑथराइज, वो कोई वो नहीं है। अगर अभी किसी का हार्ट अटैक का दर्द होगा तो भजनपुरा तक नहीं पकड़ेगा, ख़त्म हो जाएगा, 24 घंटे रोड पर जाम ही रहता है, काम करा ही नहीं। अब हम क्या लगे उन्हें नाली नहीं बनाई तो नाली तो उसका काम है नहीं, काम उसका बड़ा है, संसद का तो बड़ा काम है, तो बड़ा काम उन्हें करा नहीं। अच्छा रहे अब हाईवे बन रहे हैं जो सरकार कहती है जी हाईवे सारी प्राइवेट कंपनी बना रही है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, टोल लग रहा है। सरकार रोड जब बनाती थी जब टोल नहीं लगते थे,
अब जब टोल लग रहे तो दो बार मनोज तिवारी भारी मतों से यहाँ से जीते हैं। अब की बार क्या होगा? धर्म के नाम पर जीते, अब कभी जीत जाएंगे क्या? अब की बार यहाँ से पब्लिक बिल्कुल नहीं चाहती उन्हें, वो आते ही नहीं है, कभी क्षेत्र में आए ही नहीं, इलेक्शन पे आए और अभी तक दर्शन नहीं है उनके, अभी भी दर्शन नहीं है उनके, अभी भी दर्शन नहीं है। कन्हैया कुमार जीतेंगे अब की बार यहाँ से? जीतेंगे, देंगे वोट तो जीतेंगे। बीजेपी की समझाते हैं तो आप क्यों बोले? नहीं नहीं, अरे लड़ो मत सुनो, जीतना ना जीतना पब्लिक के ऊपर बात है, लेकिन पब्लिक नाराज है, क्षेत्र में कोई काम नहीं। जब से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के नाम का ऐलान किया है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है वो हॉट सीट बनी हुई है, सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है कि इस सीट पर अब क्या होगा, क्योंकि मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार जो कि उनको अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि वो मनोज तिवारी के काम से अब परेशान हो चुके हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अब उन्हें बदलाव चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।